छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा कानून 2012 के अंतर्गत एपीएल और बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रति माह 7 किलो अनाज देने का प्रावधान है, परंतु मजरकटा और मालगांव के 300 परिवार को आज 3 महीने से राशन न मिल पाना इस कानून का उल्लंघन को दर्शाता है। समस्या ये है कि 3 महीना से राशन दुकान में चावल मिलत नहीं है, और जब फोन करबे सेल से मिलत तो ओकर मोबाइल स्विच ऑफ बताते हैं। एक दो बार सरपंच के द्वारा ओकर घर भी गए है, लेकिन आँख होकर के बोल देते वो आए नहीं। मेन दिक्कत ये है कि अगर घर में नहीं रहा है तो ओकर घर के मन बोलते कि ऑफिस गए, ऑफिस में पता चलते कि वहाँ भी नहीं है। राशन दुकान अभी कम से कम 1 महीना से खुलत नहीं है, और जला मिले है तेला तो 2 महीना चावल एक साथ मिल चुके हैं मार्च अकाउंट करके, और कम से कम 200 कार्ड जो अभी है वहाँ सोसाइटी में पड़े हैं राशन दुकान में, और वहाँ का वो दियार खाते या मुसवा खाते उधर कोई ठिकाना नहीं। हमारी ही समस्या है, 14 नहीं मिला थे, 3 महीना हो गए, तकाला खाबो कैसे करबो, और 3 महीना ले अब हमार मन कर खेत ना खा कुछ नहीं है। तब बनी भूतिकार के आथन, तब घर में चौनी रहा तो बनी भूतिकार रखन, तब दुकान ले लेथन एक डेढ़ किलो चौन दा और खाथन पीथन। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से मैं गुजारिश करती हूं कि ग्राम मजरकटा और मालगांव के 300 परिवारों को पिछले 3 महीने का राशन उपलब्ध कराया जाए, जिसके लिए जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे गरियाबंद जिला के खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उनके ऑफिस के नंबर जो है 07706241344 इस नंबर पर फ़ोन कर दबाव बनाएं। मैं रीना रामटेके, ग्राम मजरकटा, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहट के लिए।